इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। हमसे पूछा है कि पाई तो एक इरेशनल वैल्यू है। इरेशनल वैल्यू क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो। तो पाई की वैल्यू 3.145 इस तरह आती रहती है और वो कभी खत्म नहीं होता और ना ही रिपीट होता वैल्यू। तो पाई इरेशनल है और जिसे इक्वल में लिखा गया है सी अपॉन डी, यानी कि सर्किल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो है ना। तो जो सर्किल है अगर ये मेरा से, तो उसका ये सर्कमफ्रेंस है सर्किल का सी और ये सर्कल की डायमीटर है डी है ना। राइट हैंड साइड में दो इंटीजर का रेशियो लिखा हुआ है ना, सी अपॉन डी। तो ये इधर रैशनल नंबर लिखा है और ये इरेशनल है। तो एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर से कैसे इक्वल हो सकता है ना, इरेशनल रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, हमें यही समझाना है। सबसे पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कमफ्रेंस सी है, जब हमने इसे मेजर किया होगा तो हम इसे एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते कि सही में सर्कमफ्रेंस क्या रहा होगा सर्किल का। तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी जो हमने मेजर किया होगा। तो हमने अप्रोक्सीमेट मेजर किया सर्कमफ्रेंस का या हमने डी को अप्रोक्सीमेट मेजर किया, हमने एग्जैक्ट दोनों में से किसी को मेजर नहीं किया। अगर हम एग्जैक्ट करते, अगर हमने सर्कमफ्रेंस सी को एग्जैक्ट मेजर किया होता सर्किल के सर्कमफ्रेंस को या उसके डायमीटर को, तो हो सकता था कि या तो सर्कमफ्रेंस सी इरेशनल होता या तो डी इरेशनल होता। अगर दोनों में से कोई भी इरेशनल हो जाए, जैसे कि हम जानते हैं इरेशनल, अगर सी इरेशनल होता तो इरेशनल अपॉन रैशनल क्या होता है, इरेशनल हो जाएगा है ना। तो ये पाई इरेशनल है। या फिर सी रैशनल होता डी इरेशनल होता, तो रैशनल अपॉन इरेशनल ये क्या होगा, ये भी इरेशनल होता है ना। तो भी ये बात सही है। तो दोनों में से कोई एक इरेशनल है या फिर दोनों इरेशनल है। समझ में आ रहा है? देखने में ये लग रहा है राइट हैंड साइड वाला कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक रैशनल नंबर लिखा हुआ, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट नहीं है। हम सर्किल के डायमीटर को एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते कभी भी, हम अप्रोक्सीमेट मेजर करते हैं। अगर हम एग्जैक्ट मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि तो इरेशनल नंबर है। तो किसी भी रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करो तो इरेशनल आता है ना। या फिर किसी इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करें या रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करें, वो हमेशा इरेशनल होता है ना। तो पाई एक इरेशनल नंबर है और ये दोनों भी, इन दोनों में से भी कोई एक इरेशनल रहा होगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज इधर सी या तो सी और डी या फिर डी कुड बी इरेशनल, इन दोनों में से कोई एक इरेशनल होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक भी इरेशनल अगर हुआ तो वो इरेशनल ही हो जाएगा है ना। इरेशनल अपॉन रैशनल इरेशनल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।